फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटेंसी में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से, कि जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें हमें तीन चीज़ें पूछी जाती हैं, एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट है, तीनों ही अकाउंट हम बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ओपनिंग कैश बैलेंस, जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम ऐसे जैसे P&L बनाते हैं वैसे सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, वो डिस्कस कर चुके हैं हम अपनी लास्ट वीडियोज़ के अंदर। और फिर हमने डिस्कस किया था क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारी आता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से उठाते हैं हम। इन सभी आइटम्स को उनको रिकॉर्ड करने के बाद, जो हमने अभी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी ले लिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, तो उसके बाद हम चेक करेंगे डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है हम वहाँ चेक करेंगे डेबिट साइड में और कौन कौन से आइटम्स रहती हैं। तो जो आइटम्स है उसमें दो पार्ट्स चेक करेंगे, कौन कौन से कैपिटल रिसिप्ट और कौन कौन से रिवेन्यू रिसिप्ट हैं, वो डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। आज का हमारा मेन टॉपिक है कि हम जब डेबिट साइड तो चेक कर चुके हैं तो अब हम चेक करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड, कि क्रेडिट साइड में पेमेंट अकाउंट जो होता है, क्रेडिट साइड की जो है पेमेंट अकाउंट की, उसकी हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। उसमें भी दो ऐसे ही हम क्लासीफाई करेंगे कि कौन कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन कौन से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बैलेंस शीट में और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हमें यहाँ पे क्लासीफाई करना होता है कि हमारी कौन कौन सी कैपिटल है, कैपिटल नेचर की है, कौन कौन सी हमारी रिवेन्यू नेचर की है। डेबिट साइड का हम कर चुके थे, अब आज करेंगे हम क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हमें चेक करना कि कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं। तो सीधी सी बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होंगे जो हमारे 1 ईयर के ना होंगे, 1 ईयर से ज़्यादा टाइम के होंगे, जो मीन्स आपके लंबे समय तक के एक्सपेंडिचर्स हैं। जैसे आपने क्रॉकरी का कुछ सामान परचेस किया है, लाइब्रेरी की बुक्स परचेस की हैं, तो वो सिर्फ 1 साल नहीं चलेंगी। तो ऐसी कोई भी एक्सपेंडिचर, ऐसा कोई भी आइटम जो आपने परचेस किया है, कुछ भी किया है, वो आपका 1 साल के लिए नज़र के काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, तो फिर वो आपका आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपका पर्टिकुलर 1 ईयर का होगा, तो वो आएगा आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। रिवेन्यू मीन्स जो आपका 1 साल से रिलेट करेगा, और कैपिटल जो आपका 1 साल ना से रिलेट ना करके काफ़ी साल तक रिलेट करता है, तो वो आता है हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब हम इसको डिटेल में क्लासीफाई करते हैं, आप देखिए ध्यान से। तो डेबिट साइड हम कर चुके कंप्लीट अपनी वीडियोस के अंदर, आज हम करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड को चेक करते हैं तो वहाँ पे हमें जो आइटम्स लिखी होती हैं उनमें से कुछ होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और कुछ होते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमें क्लासीफाई करना होता है कि कौन कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन कौन से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो आइटम्स होंगी जो यूज़फुल फॉर मोर देन 1 ईयर। जो आइटम्स हमारी, जो एक्सपेंडिचर्स 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़फुल होंगे, तो वो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगी। जैसे हमने क्रॉकरी परचेज की है, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है, या फर्निशिंग करवाई है, लाइब्रेरी की बुक्स ली है, या उसके अलावा हमने कोई ऐसा अमाउंट स्पेंड किया है जैसे कि इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन पे किया है, इन्वेस्टमेंट की है। तो ऐसा अगर हम कुछ करते हैं जो 1 साल से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जिसका हम 1 साल से ज़्यादा भी यूज़, ज़्यादा जो प्रॉफिट कमा सकते हैं 1 साल से ज़्यादा हमारे यूज़ में आएगा वो चीज़, तो वो एक्सपेंडिचर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, जो 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हमें काम आएगा, तो वो हमारा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इन सभी एक्सपेंडिचर्स को, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, उन सभी एक्सपेंडिचर्स को हम रिकॉर्ड करते हैं एसेट साइड इन बैलेंस शीट। उन सभी आइटम्स को हम अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड रिकॉर्ड कर देते हैं, एसेट साइड रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी बात कि अगर जैसे हमने फर्नीचर कुछ लिया है, तो उस फर्नीचर से अगर हमें कोई, उसमें कोई डेप्रिसिएशन लगा है, उस डेप्रिसिएशन को हम डिडक्ट करके, माइनस करके, जो भी उसकी एक्चुअल अमाउंट, नेट अमाउंट होगी, उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे अपने एसेट साइड। तो मीन्स जो भी कोई डेप्रिसिएशन होगा तो उसको हम एज यूजुअल माइनस करके ही जो ओरिजिनल जो उसकी वैल्यू होगी उसी को हम अपने एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा भी हुआ है,
कि जो एक साल से ज़्यादा के लिए यूज़फुल है, दूसरी बात उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड, और क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात चल रही है ये, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में सिर्फ मोस्टली जो है ओपनिंग बैलेंस आता है हमारा कैश एट बैंक का, या फिर कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब लास्ट ईयर कुछ भी गिवन है तो वो आएगा, अदरवाइज हम क्लोजिंग बैलेंस शीट को करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए ही इनकम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड को चेक करते हैं। अब ये तो हमारा बचा बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट में कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा और ये आइटम्स आएंगी। दूसरा आता है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर्स हैं यूजफुल फॉर ओनली द करंट ईयर, जो हमारे सिर्फ करंट ईयर के लिए यूजफुल रहेंगे, जैसे कि कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी है या कोई सैलरी हमें मिली है, कोई एक्सपेंसेस है, कोई रेंट है, कोई भी ऐसे आइटम्स जो हमारे सिर्फ करंट ईयर के लिए ही काम आएंगे, जो सिर्फ हमारे आज के लिए मिस करंट ईयर जो हमारा है उसी में काम आएंगी। तो इस साल के लिए जो काम आएंगे, एक साल के लिए जो काम आएंगे वो हमारी है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक साल से ज़्यादा जो काम आएंगे वो हमारी है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सम आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर्स यूजफुल फॉर ओनली वन ईयर इज नोन एज वन ईयर और करंट ईयर इज नोन एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब दूसरी बात कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दो साइड है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंडिचर्स और क्रेडिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम्स। तो जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड मीन्स डेबिट साइड, और जो भी हमारे बेनिफिट्स होंगे उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड। जैसे कि हमने जब डेबिट साइड देखी थी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट की, तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड हमारी रिसिप्ट आती है, तो उसको हमने रिकॉर्ड किया था अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, मीन्स जैसे सब्सक्रिप्शन है तो वो हमारा क्रेडिट साइड आएगा, बट कुछ एक्सपेंसेस हैं तो वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड किए जाएंगे इन द कॉलम ऑफ एक्सपेंडिचर, क्योंकि डेबिट कॉलम हमारा वही है। पर जैसे ही हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में, तो उसमें भी हमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं करंट ईयर से रिलेटेड, क्योंकि इस अकाउंट में हमारे सिर्फ करंट ईयर ट्रांजेक्शन ही आती हैं। तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी है अब हम उनको चेक करते हैं। तो जब हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। कुछ एक्सपेंसेस हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं और कुछ होते हैं प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग मीन्स जो अभी अक्योर्ड इनकम है, जो इनकम हमने अभी तक कमा ली है बट हमें रिसीव नहीं हुई है, वो आउटस्टैंडिंग इनकम होती है। वैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कि वो एक्सपेंसेस जो हो चुके हैं बट अभी तक वो है हमने पे नहीं किया है, तो वो आउटस्टैंडिंग है, मीन्स उसको पे करना भी बाकी है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस इसकी हम एडवांस में पेमेंट कर चुके हैं, जैसे कि हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस होता है, कई बार हम क्या करते हैं इंश्योरेंस की एडवांस पेमेंट कर देते हैं, तो वो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहने में आता है। और आउटस्टैंडिंग जैसे कि अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी होते हैं हमारी, कि कोई सैलरी है वो उसकी बनती है, उस पार्टनर की, उस मेंबर की सैलरी बनती है, बट हम उससे हमने अभी तक उसकी सैलरी नहीं दी है, मतलब उसकी सैलरी अभी देनी आउटस्टैंडिंग है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस के कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। और जब रिसिप्ट हमने की थी लास्ट वीडियो में, तो वहाँ हमने देखा था कि आउटस्टैंडिंग इनकम और प्रीपेड इनकम में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। सब्सक्रिप्शन में चेक किया था हमने, सब्सक्रिप्शन में दोनों पॉइंट आ गए थे। अभी है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस के कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में एग्जांपल ले रहे हम रेंट, जैसे रेंट हमें अगर गिवन हो, तो सबसे पहले रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड हमें मिलेगा रेंट पे ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी रेंट होगा वो आ जाएगा, उसमें हम ऐड कर देंगे अगर हमें इंफॉर्मेशन में गिवन है कि कोई एट द एंड ऑफ ईयर, जो हमारा करंट ईयर है उसका एट द एंड ऑफ ईयर कोई अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो उसको ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे हम आउटस्टैंडिंग रेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। मीन्स अगर ईयर के बिगिनिंग में कुछ आउटस्टैंडिंग है तो उसको लेस कर देंगे, और अगर ईयर के एंड में कुछ आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर देंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ही एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो अगर आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड ऑफ ईयर है, मतलब क्लोजिंग जब मतलब कि 31 मार्च को कुछ आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर का होगा, तो उसको ऐड कर देंगे। और अगर ईयर के बिगिनिंग में मीन्स 1 अप्रैल को कुछ आउटस्टैंडिंग है तो मतलब वो लास्ट ईयर का होगा, तो उसको हम लेस कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ करंट ईयर का ही जो है डाटा रखना है।
तो अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर है, मतलब करंट ईयर का ही होगा, तभी तो अभी लास्ट नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो वो करंट ईयर का ही होगा अगर एट द एंड ऑफ ईयर में है, तो उसको हम ऐड कर देंगे, और अगर बिगिनिंग में कुछ होगा तो उसको लेस कर देंगे। हम ऐड सिर्फ उसी आइटम्स को करेंगे जो करंट ईयर का है, और लेस उस आइटम को करेंगे जो या तो प्रीवियस ईयर से रिलेट करता है या फिर नेक्स्ट ईयर से, तो उसको हम लेस कर देंगे। तो ऐट द एंड ऑफ ईयर आउटस्टैंडिंग रेंट को ऐड करने के बाद, और एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर में एट द आउटस्टैंडिंग रेंट को लेस करने के बाद, जो नेट अमाउंट आती है हमारी, नेट अमाउंट जो आती है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड, हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ये तो हो गई हमारी सिंपल सी बात कि एडजस्टमेंट्स करने के बाद, एड लेस करने के बाद हमने जो अमाउंट आई उसको ट्रांसफ़र कर दिया हमने डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब दूसरी बात है कि ये दोनों ही आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट एट द बिगिनिंग और करंट दोनों ही हमारे एक तरफ और एडजस्ट होंगे। एक तो ये बात है कि जो हमारे एट द एंड ऑफ ईयर के आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो उसको हम अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड, और जो हमारे बिगिनिंग ऑफ ईयर के आउटस्टैंडिंग रेंट है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड, और अगर ये आउटस्टैंडिंग इनकम होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी एसेट साइड। जैसे हमने लास्ट वीडियो में सब्सक्रिप्शन को एसेट साइड रिकॉर्ड किया था क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग इनकम थी, बट ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी लायबिलिटी साइड, और ये एट द एंड ऑफ ईयर है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ये हमने जस्ट एक फॉर्मेट से किया है, हम एग्जांपल करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होएगा। तो एग्जांपल है कि ये डाटा हमें गिवन है 31 मार्च 2016 का। डाटा के अंदर क्या लिखा हुआ है कि सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, हमें ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रॉपरली गिवन मिलेगा। हमें सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ही एग्जांपल लेना था, तो हमने सिर्फ उसी आइटम्स को उठाया हुआ है, बट आप चेक करेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो आप देखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड आपको लिखा मिलेगा बाय सैलरीज 24,000 रुपीज़, और अदर इन्फॉर्मेशन में आपको लिखा मिलेगा कि सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2015 2,000 रुपीज़, एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2016 2,500। तो ये दो एडजस्टमेंट हमें करनी है। हमें सिंपल सा सैलरी पेड हमने किया 24,000, वो हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड। तो डेबिट साइड हम लिख देंगे यहाँ पे बाय सॉरी डेबिट साइड हमें रिकॉर्ड करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरीज। कितने की सैलरी हमने पे की है 24,000 की, तो वो हम लिख देंगे। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट करनी है सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2015, जो 2015 का आउटस्टैंडिंग है तो वो 2016 के लिए बिगिनिंग में रहा होगा, और जो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है एक्सपेंसेस है उसको हम लेस करते थे, तो हम यहाँ पे लेस कर देंगे अपना आउटस्टैंडिंग सैलरी। कौन सी सैलरी? जो 31 मार्च 2015 की है, क्योंकि वो हमारी लास्ट ईयर की है, तो मीन्स वो लास्ट ईयर की है आउटस्टैंडिंग, तो उसको हम लेस कर देंगे 2,000 रुपीज़ लेस कर देंगे, और ऐड कर देंगे हम जो हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2016, जो 31 मार्च 2016 का जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, जो इसी ईयर का आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड वो भी 31 मार्च 2016 ही है, इसी डेट को रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाया गया था और इसी डेट को सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो जो एट द एंड ऑफ ईयर अगर कोई सैलरी को एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम ऐड करते हैं, क्योंकि वो हमारा करंट ईयर से ही रिलेट करता है। तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 दिसंबर 2016, तो ये हमारे यहाँ पर 2,500 ऐड हो जाएगा और 2,000 रुपीज़ लेस हो जाएगा, तो ये हमारा होगा 22,000 + 24,500 रुपीज़ आ गया हमारा ये ओवरऑल बैलेंस। तो इसको हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड हमने लिख दिया है 24,500 रुपीज़। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है कि अगर प्रीवियस ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग है जो हमारा इस ईयर के लिए बिगिनिंग बैलेंस बनेगा, तो वो हम लेस कर देंगे क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का है,
और अगर इस ईयर का मीन्स करंट ईयर में और एंड पे करंट ईयर में कुछ एंडिंग डेट को आउटस्टैंडिंग है तो मीन्स वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड किया आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सैलरी है। इससे अलावा कुछ भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो क्रेडिट साइड उसकी हम ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग है तो लेस कर देंगे और आउटस्टैंडिंग एट द एंड है तो ऐड कर देंगे। बिल्कुल सिंपल से एडजस्टमेंट्स है। और दूसरी बात है कि इसकी एंट्री करने में बैलेंस शीट में, तो जो हमारा 31 मार्च 2015 का सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारा 2016 के लिए क्या रहा होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि वो बिगिनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, और जो हमारे 31 मार्च 2016 का बैलेंस है सैलरी आउटस्टैंडिंग उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, क्योंकि हमारा वो क्लोजिंग डेट को है एट द एंड ऑफ ईयर है तो उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी लायबिलिटी साइड। और जो 31 मार्च 2015 का है मीन्स वो प्रीवियस ईयर का है, वो इस ईयर के लिए बिगनिंग बनेगा तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। बिल्कुल सिंपल सी एडजस्टमेंट थी, आई होप आप सबको समझ में भी आई होगी और विद एग्जांपल हमने किया है तो आपको अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। बस एक लास्ट एडजस्टमेंट हमारी आती है प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस की, कि हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे अपने प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस की। तो उसके बाद प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस आते हैं हमारे कैसे एडजस्टमेंट होगी। तो सबसे प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस वही जैसे जो हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं वो एक्सपेंसेस के एडवांस में पेमेंट करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस हमें इस ईयर का पे करना है बट नेक्स्ट ईयर का भी पे करते हैं तो प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस हो गए। तो उसके कैसे एडजस्टमेंट होगी, इंश्योरेंस चार्जेस पे ड्यूरिंग द ईयर, जो इंश्योरेंस चार्जेस हम ईयर में पे करेंगे वो आ जाएगा, उसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे हम। क्योंकि देखो अभी जो हमने इस साल जो पे किया है उसमें सब कुछ इंक्लूड है, लास्ट ईयर का भी, प्रीवियस ईयर का भी और नेक्स्ट ईयर का भी, हमें सिर्फ करंट ईयर का ही रखना है। तो हम इस जो हमने पे किया है इस साल उसमें हम लास्ट ईयर का लेस कर देंगे और जो है नेक्स्ट ईयर का भी लेस कर देंगे, सिर्फ करंट ईयर का जो पे किया उसी को रखेंगे। तो अभी जैसे हमने पे मान के चलो हमने पे 7000 रुपीज़ कर दिए, अब 7000 में हो सकता है कि मे भी पिछले साल का भी कुछ ना कुछ इंश्योरेंस का हो या हमने नेक्स्ट ईयर के लिए भी कुछ ना कुछ ऐड किया हो, कुछ ना कुछ पे कर दिया हो, तो जो हमने लास्ट ईयर के लिए पे किया वो भी लेस कर देंगे, जो नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया उसको भी लेस कर देंगे और जो करंट ईयर के लिए पे किया सब उसी को हम रखेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, सिर्फ करंट ईयर का बैलेंस ही आ जाएगा हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ड्यूरिंग द ईयर आ गया हमारा, उसके बाद हम लेस कर देंगे प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस एट द एंड ऑफ ईयर। अगर एट द एंड ऑफ ईयर मीन्स लास्ट डेट को कुछ हमने लास्ट डेट का कोई प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस है, तो देखो अगर हमने 31 मार्च को कुछ एडवांस पे किया है तो इसका मतलब उस साल का तो नहीं पे किया होगा ना, एडवांस तो अगले साल का ही पे करेंगे हम। तो हमने कुछ नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस एडवांस पे कर दिया है एट द एंड ऑफ ईयर मीन्स नेक्स्ट ईयर का पे किया है तो उसको हम लेस कर देंगे। और आगे है प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। अगर हमने एक अप्रैल को कुछ प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस पे किया है, मतलब एक अप्रैल को हमने कुछ एडवांस पेमेंट कर दिया तो वो सीधी सी बात है करंट ईयर के लिए ही पे की होगी, क्योंकि बिगिनिंग में कुछ पे करेंगे एडवांस तो वो करंट ईयर के लिए पे करेंगे और एट द एंड ऑफ ईयर पे करेंगे मीन्स वो हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए पे करेंगे। तो अगर हम बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कुछ पे कर रहे हैं तो उसको हम ऐड करेंगे क्योंकि वो हमारा करंट ईयर का है, और अगर एट द एंड ऑफ ईयर में कुछ हमने एट द एंड ऑफ ईयर कुछ पे कर रहे हैं प्रिपेयर्ड एडवांस में तो उसको हम लेस कर देंगे। एड लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट आती है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि हमारा मेन तो काम वही है कि हमें उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, सिर्फ एडजस्टमेंट्स करने के बाद रिकॉर्ड करना है, मेन पॉइंट हमारा ये था। उसके बाद बात आती है हमारी कि और कहाँ इसकी एंट्री करनी है। तो जो प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस एट द एंड ऑफ ईयर है, सबसे पहली बात प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस हमारे एसेट साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो एट द एंड ऑफ ईयर के होंगे उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे, और जो एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर के होंगे उसको हम अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड होगा, अब बिगिनिंग के हैं तो ओपनिंग बैलेंस शीट, एंड के हैं तो क्लोजिंग बैलेंस शीट, सेम ऐसे ही है। प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस है तो वो हमारे रिकॉर्ड होते हैं एसेट साइड, तो अगर बिगिनिंग के हैं तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड और एंड के हैं तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो ये हमने आज क्लियर किया और ऑलमोस्ट हमारा जो प्रिपरेशन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो कंप्लीट हो गया हमारा आज, जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगी,
और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में कैसे कैसे एडजस्टमेंट्स होगी, इनकम के कैसे एडजस्टमेंट होगी और एक्सपेंडिचर कैसे एडजस्टमेंट होगी, कैसे हम चेक करेंगे कि रिवेन्यू शिफ्ट कौन सी है, कैपिटल शिफ्ट कौन सी, कैसे हम चेकआउट करेंगे कि कैसे कौन कौन सी एक्सपेंडिचर्स हमारे कैपिटल है, कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है और कैसे उनकी एडजस्टमेंट्स होगी, सब कुछ डिस्कस किया हमने। तो आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, और कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए। और लास्ट पॉइंट हमारा आता है उसके बाद, तो ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई हमारी, क्लोजिंग बैलेंस शीट कंप्लीट हमने कर ली, जो हमारा अकाउंट है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट उसकी राइट साइड हमारी क्या क्या आइटम्स आएंगे वो हमने कर ली। आज हमने क्रेडिट साइड को भी कर लिया कंप्लीट कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैसे ट्रीटमेंट होगी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का कैसे ट्रीटमेंट होगी। अब हमारे सारे अकाउंट्स बन गए, ओपनिंग भी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी। तो अब फाइनल क्या होगा, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सरप्लस आएगा, अगर मान के चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सरप्लस फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो उसको हम ऐड कर देंगे अपने कैपिटल फंड में, जो हमारा होता है लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो उसमें उसको हम ऐड कर देंगे। और अगर मान के चलो कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है तो हमारा डेफिशिट आएगा रिजल्ट में फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो उसको हम क्या करेंगे अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में से कैपिटल फंड में से माइनस कर देंगे। और कैपिटल फंड कैसे कैलकुलेट करना है आप हमारी वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं, हमने कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है। तो ये आज हमारा कंप्लीट हुआ प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर्म रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। लास्ट वीडियोज़ को देखने के लिए आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, हमने बनाई हुई है प्लेलिस्ट इसी चैप्टर के नेम से, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप इजीली चेक कर सकते हैं सारी वीडियोस को जो भी अपलोड है चैप्टर की। और बाकी चैप्टर्स की वीडियोस जो हमने अपलोड कर ली है, ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट टर्म जो है कंप्लीट होने वाला है, ये बस लास्ट चैप्टर बचा है हमारा, 6 चैप्टर हम कर चुके हैं, 6 चैप्टर भी कर रहे हैं हम, ये वाला चैप्टर 5 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, आप चेक कर सकते हैं हमारी चैनल पर जाके। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। कुछ डाउट हो, आपको कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट में बताइए, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हम जो कर रहे हैं उससे आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो पर कमेंट करके जाइएगा और उस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चले, मतलब उनको भी इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिले। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि हम अकाउंट्स पे रेगुलर वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे।